अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ डॉक्टर रिजवी व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं ये दोपहर का वक्त है और मैंने व्लॉग अभी शुरू किया है। तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़े से ईद का शॉपिंग करनी थी बकरीद के लिए, तो उसके लिए हम लोग आए हैं मिल्टन। और यहाँ पे दो तीन जगह हमने देखा सूट के लिए कि हमें कोई रिजनेबल सूट मिल जाए, लेकिन दो तीन जगह मैं गई तो मुझे पसंद नहीं आया। तो वहाँ की मैंने बस शूट की थी वीडियो। और ये जो बहुत सारी इसमें शॉप्स हैं, शोरूम टाइप हैं ये यहाँ प्लाजा में, तो यहाँ पे इन्होंने बनाया है जो मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। तो तीन चार जगह मैं गई और मुझे अच्छे नहीं लगे। तो एज़ यूजुअल मैं हर साल जाती हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि जो चीज़ मैं पोशाक महल से लेती हूँ वही चीज़ें वहाँ पे तीन गुना रेट में लगी हुई होती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे पार्किंग में हमने कार पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पे शोरूम्स हैं। तो आइए हमारे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कार पार्क कर दी है और अब हम लोग जा रहे हैं शॉप्स के, जो शोरूम्स हैं वहाँ पे देखने। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ अंदर जाके। अभी हम जा रहे हैं, ये एक फैशन करके कुछ फैशन का चोर नाम की एक शॉप थी जहाँ पे सेल उन्होंने रखा हुआ था, लिखा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई सेल नहीं थी कि कोई भी सूट वहाँ पे $200-$300 से कम के नहीं थे। यहाँ तक कि कुर्तियाँ भी वहाँ पे बहुत महंगी लगी थी। फिर हम दो तीन जगह देख के फिर हम पोशाक महल आ गए और ये सबसे रीज़नेबल मुझे लगता है पोशाक महल। तो यहाँ से मैंने एक ड्रेस ली और ट्राउज़र के साथ में, और मेरी बेटी ने लिया जिसमें शरारा था। तो यहाँ से ये आप देखिए, ये इनकी शोरूम है, ये पाकिस्तानी स्टोर है, इसमें पाकिस्तानी लोन के और फैंसी ड्रेसेस ब्राइडल सब मिलते हैं। तो मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे ये रिज़नेबल लगता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप कनाडा से हैं तो अगर आपको ड्रेस लेनी है पाकिस्तानी टाइप या इंडियन टाइप की कुर्तीज़ वगैरह, तो गर्मी के लिए या ब्राइडल ड्रेसेस अगर आपको चाहिए ज्वेलरी वगैरह, तो आप पोशाक महल से ले सकते हैं। ये इनका शोरूम है और ये ड्रेसेस हैं इनकी, और मुझे बहुत अच्छी लगती। मैं हर साल ईद और बकरीद में जब ड्रेसेस लेती हूँ तो मैं यहीं से लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा यहाँ से नहीं लेती, इंडिया जाती हूँ तो वहाँ से लेती हूँ, और यहाँ पहने भी नहीं आती। इंडिया में बहुत ही कम बनाती हूँ मैं ड्रेसेस। तो ये है, इतना कोई आना जाना है। और यहाँ पर ज्वेलरी भी मिल जाएगी। यहाँ से मैंने एक झुमके ख़रीदे थे छोटे छोटे से, और ये बैंगल्स वगैरह आपको, कंगन कड़े टाइप के, वो सब मिलेंगे आपको। ब्राइडल ज्वेलरी भी मिलेगी आपको और रिजनेबल प्राइस है 5, 15, 10, 20, $40, $50 सब में मिलेगा आपको। और ब्राइडल में सारी आपको झूमर है, टीका है, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, नथ मिल जाएगी जो शादी में पहने जाते हैं सेवर, वो आर्टिफिशियल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे थे। अभी तो इनके पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है क्योंकि अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा हर जगह आपको बहुत ही कम स्टॉक मिलेंगे, क्योंकि बंद रही हैं और नई चीज़ें नहीं आई हैं, नए आइटम्स नहीं आए, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से ड्रेसेस लेके फिर हम प्रीमियर आउटलेट गए, क्योंकि मुझे बेटे के लिए और हस्बैंड को अपनी टी शर्ट्स वगैरह लेनी थी। तो आउटलेट आ गए तो फिर हम वहाँ पे शॉप्स पे गए, तो वहाँ हर जगह लाइन थी। तो ओल्ड नेवी में लाइन वगैरह नहीं थी, कोई क्यू नहीं लगी हुई थी, वेटिंग नहीं था।
तो हम लोग वहाँ चले गए क्योंकि हमें जल्दी लेना था। और वहाँ से बेटी के लिए जो है टीशर्ट्स हस्बैंड ने लिए अपने लिए, और ट्राउज़र्स वगैरह यहाँ से लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। कैजुअल हैं वो भी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है स्वेट पैंट वगैरह ही पहनते हैं, और जीन्स वगैरह बहुत है, तो फिर वो डेली लिए वो आसान रहता है। और यहाँ से एक हुडी ली थी मैंने, दो टी शर्ट बेटे के ली थी, हस्बैंड ने 3-4 टी शर्ट्स ली थी, और स्वेट पैंट लिया था, बेटी ने एक टी शर्ट ली थी। तो मैं आपसे आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगा आपको। तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी कुछ लगा हुआ था सेल पे, और ये टी शर्ट्स पहले 40-49 की लगी हुई थी, अभी $12 में हैं। $12 की भी हैं और 7 डॉलर्स की भी, यहाँ पे $6 की भी रखी हुई हैं टी शर्ट्स। तो यहाँ से घर में पहनने के लिए दो तीन मेरे हस्बैंड ने शर्ट्स ली थी गर्मियों के लिए, और अच्छी थी। यहाँ से मेरी बेटी ने एक शर्ट ली थी, और कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, देखिए आप, कलर्स बहुत अच्छे हैं, और कई साइज़ की इसमें चाहिए। फिर यहाँ से स्वेट पैंट लिया था, और यहाँ से डी ली थी, वापस आ गए थे। बस इतनी ये वाली हुडी आपको दिखाई दे रही है, ये 49 की थी, डॉलर की लगा रखी, तो ये ली थी। और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे पे करके फिर घर जाएंगे। बस घर जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या। तो बेटी ने ये ड्रेस ली थी, ये शरारा, और ये शर्ट है, ये शरारा है और उस पे दुपट्टा है, तो ये बेटी ने लिया था। इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा है, फिटिंग भी है इसकी, अच्छी फिटिंग है। तो ये देखिए आप, और जो इसके दुपट्टा है उसमें भी अच्छी फ्रिल वगैरह लगी थी। फिर जो है मैंने जो शॉपिंग की थी वो आपको दिखाती हूँ। टी शर्ट, स्वेट पैंट और अपना सूट और एक ईयर रिंग ली थी मैंने, वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। Turn to ask to leave his love and the hype.
आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और ये शेर हुज़ूरी देखिए खेल रहे हैं, और शेर हुज़ूरी कैसे लगते हैं आपको ज़रूर बताइएगा। अगले व्लॉग पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। Takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. The famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. But can the size of Canada can't spray away the truth? 'Cause even if they don't admit it, everybody poops.